हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीख लिया है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, सीखते हैं कि विलोपन विधि से हम लोग समीकरणों का हल कैसे निकालेंगे। देखो, समीकरणों का हल निकालना है तो इसके लिए आपको कम से कम दो समीकरणों की आवश्यकता होगी। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास एक समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और एक समीकरण है 4x प्लस 9y इक्वल टू 7। ठीक है, इनके अलावा आप कोई भी दो समीकरण मान सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है गायब करना, है ना। विलोपन का मतलब होता है गायब करना। तो किसको गायब करोगे? दो चर राशियां हैं एक्स और वाई, दोनों चर राशियों में से किसी एक चर राशि को गायब करेंगे। अच्छा, गायब क्यों करेंगे? भाई मुझे एक्स का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वाई को गायब करूँगा, और अगर वाई का मान चाहिए तो मुझे एक्स को गायब करना पड़ेगा। तो दोनों चर राशियों में से अगर मैं किसी एक चर राशि को गायब कर देता हूँ तो दूसरे चर राशि का मान मुझे मिल जाएगा। इसीलिए इन दोनों चर राशियों में से किसी एक चर राशि को हम गायब करते हैं, और यही विधि क्या कहलाती है? विलोपन विधि कहलाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि विलोपन विधि से हम लोग इन दोनों समीकरणों को कैसे हल करेंगे। देखो, मैं कहता हूँ कि मुझे x को गायब करना है। अगर मुझे x को गायब करना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे या तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ना होगा या तो घटाना होगा। लेकिन जोड़ने और घटाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? दोनों समीकरणों में x के गुणांक को बराबर करेंगे। देखो, पहले वाले समीकरण में x का गुणांक है 2, मतलब ये 2x है, और दूसरे वाले में है 4, है ना। तो इस 2x को या तो हम 4x बनाएंगे या तो इस 4x को हम 2x बनाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस 4x को 2x बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो आप बोलोगे इसमें 2 से भाग कर दीजिए। 4 में 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। और अगर इस 4x बनाना हो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसमें 2 से गुणा कर दें, है ना। तो गुणा करना आसान है या भाग करना? तो आपका जवाब होगा कि गुणा करना। ठीक है, तो हम समीकरण एक में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। जैसे आप समीकरण एक में 2 से गुणा करेंगे, ये 2x 4x बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, तो देखो, आप बोलोगे समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। अब आप बोलोगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा किया, बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि मुझे इस 2x को 4x बनाना है। लेकिन समीकरण 2 में हमने 1 से गुणा क्यों किया? ये तो पहले से 4x है। तो भैया मेरे, ये पहले से 4x है, लेकिन अगर 1 से गुणा करोगे तो इसमें कोई फर्क भी तो नहीं पड़ेगा। हम 1 से गुणा क्यों कर रहे हैं? हम 1 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे कई प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा, किसी न किसी संख्या से दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि दोनों समीकरणों में हम लोग एक साथ गुणा कैसे करेंगे और उसके बाद उन्हें हल कैसे करेंगे। ठीक है, सिर्फ इसलिए मैंने 1 से इसमें गुणा किया, बाकी समीकरण नंबर 2 में गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, देखो, समीकरण 1 में मुझे 2 से गुणा करना है और समीकरण 2 में मुझे 1 से गुणा करना है। ठीक है, अच्छा, एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमें इस 2x को 4x बनाना था तो हमने इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा किया। हमने ऐसा नहीं किया कि हम सिर्फ 2x में 2 का गुणा कर दें। ठीक है, केवल एक पद में हम गुणा नहीं करते, है ना, पूरे समीकरण में हमें गुणा करना होता है। इसीलिए हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा किया। ठीक है, तो कर देते हैं गुणा। 2 का 2x में गुणा करोगे कितना आएगा? 4x आएगा, प्लस 2 का 3y में गुणा करोगे, 2 तिया 6y हो गया, बराबर 2 का 8 में गुणा होगा, 2 8 16 हो गया। ठीक है,
समीकरण दो में एक से गुणा करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसमें, है ना, 4x 9y = 7, ठीक है, ये हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब 1 और 2 को भूल जाइए, अब 3 और 4 को हल करना है, ठीक है। हमारा काम क्या था, हमारा काम था कि हम दोनों समीकरणों में x के गुणांकों को बराबर कर दें, हमने बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे, अब x गायब कब होगा, x गायब कब होगा, इसमें भी 4x है, इसमें भी 4x है, तो मुझे बताओ 4 और 4 है ना, ये दोनों 0 कब होंगे, जब इनको मैं घटाऊंगा, जब मैं इनको घटाऊंगा तभी तो 0 होंगे, क्यों, क्योंकि भाई इसके भी सामने का चिन्ह प्लस है, इसके भी सामने का चिन्ह प्लस है। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर अगर दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है या दोनों का चिन्ह माइनस माइनस है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। और अगर अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो आप क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, मतलब क्या, मतलब क्या, घटाएंगे, मतलब अगर समान चिन्ह है तो हम घटाएंगे और विपरीत चिन्ह है तो हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल देंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ऐसा नहीं है कि आप 3 में से 4 को घटाएंगे, आप 4 में से भी 3 को घटा सकते हैं, ठीक है। तो घटा लेते हैं, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में से घटाएंगे और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से घटाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले समीकरण का बाएं पक्ष है 4x + 6y, माइनस लगा दीजिए, और दूसरे समीकरण का बाएं पक्ष कितना है, 4x + 9y = समीकरण 1 का दाहिना पक्ष कितना है, 16, और 2 का दाहिना पक्ष कितना है, 7, ठीक है। घटा रहे हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ठीक है, तो कर दीजिए ओपन 4x + 6y। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -4x हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, 9y = 16 में से 7 निकल गया तो 9 बचेगा, है ना। देखो ये +4x, ये -4x गायब हो गए, 6y है, -9y है, 6 में से 9 को निकालोगे -3 बचेगा, यानी -3y = 9, और यहाँ से आपको मिल जाएगा, इस 3 से काट दो, 3 × 3 = 9, मतलब y बराबर आपको मिल जाएगा कितना, -3। y बराबर आपको कितना मिला, -3। तो y का मान हमें मिल गया है। अब इस y के मान को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दें, कहीं भी रख देंगे हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो रख देते हैं, बोलेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x + 3 × y का मान कितना है, -3, और = कितना, 8, ठीक है। ये हो गया 2x, 3 × 9 -9, है ना, बराबर 8, ये तो, और ये 9 उधर जाएगा, 9 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 9 8 17 हो गया। x बराबर कितना मिला, x बराबर मिल गया 17/2, x बराबर कितना मिला, 17/2, ठीक है। तो y का मान मिल गया -3 और x का मान मिला 17/2। आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, x और y के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने x को गायब किया, पहले y का मान निकाला। अगर मैं y को गायब करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, 9 है, और समीकरण 1 में क्या है, 3 है, तो या तो मैं इसे 9 बना दूं या तो इसे मैं 3 बना दूं, तो इसको 9 बनाना आसान है, है ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे, और जैसे समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और ये भी 9y, ये भी 9y, 9y में से 9y को घटा दोगे
वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स का मान आपको मिल जाएगा। फिर उस एक्स के मान को आप समीकरण एक या दो में रख के वाई का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विलोपन विधि। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि द्वारा हम लोग समीकरणों का हल कैसे निकालते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और आल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप आल पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।